तो फार्माकोग्नोसी में आज जो टॉपिक है दैट इज ऑक्सीटोसिक ड्रग्स, है ना। कई दिनों से ये टॉपिक रह जा रहा था ऑक्सीटोसिक ड्रग। इसमें एक ही कैटेगरी, एक ही ड्रग है एर्गोट। तो कोशिश करेंगे इसके साथ हम विटामिंस जो है, जिसमें कॉड लीवर ऑयल एंड शार्क लीवर ऑयल, उसको भी जो है हम इसी टर्न पे फिनिश कर देंगे। ठीक, तो ऑक्सीटोसिक ड्रग बेसिकली ये देखो क्या है, बड़ा मल्टीपर्पज यूज है। मल्टीपर्पज यूज इन द सेंस कि जैसे बर्थ के टाइम पे लेबर पेन किसी को नहीं इंड्यूस होता तो लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है। मींस कई बार होता है बच्चा नीचे नहीं आ रहा है, है ना, तो उस वक्त भी ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लेबर पेन इंड्यूस किया जाता है। लेबर पेन बर्थ, बच्चा आराम से बर्थ हो जाए, यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी ऑक्सीटोसिन ड्रग का इस्तेमाल किया जाता है। फिर बर्थ जब बच्चे की हो गई, अगर किसी माँ को दूध नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में, मींस फीड नहीं करा पा रही है, उस कंडीशन पे भी ऑक्सीटोसिन ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इवन ये ड्रग जानवरों में भी लोग इस्तेमाल करते हैं, मींस मिसयूज बहुत होता है। जैसे जानवरों में किसी का, जैसे घोसी लोग होते हैं, दूध नहीं हो रहा है तो वो क्या ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन लगा देते हैं ऑक्सीटोसिन का। दूसरी बात और क्या करते हैं, सब्जियों में इसका इस्तेमाल कर देते हैं। भाई मान लिया छोटी सी लौकी है इतनी बड़ी है, थोड़ा सा गए कुछ एमएल लगा दिया और लौकी इतनी बड़ी हो गई रात भर में। कद्दू छोटा सा है, थोड़ा सा लगा दिया बड़ी सी हो गई। तो ये सब मींस मिसयूज भी इसका काफी हद तक हो रहा है। खैर हम देखते हैं, ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, इस हार्मोन को लव हार्मोन भी कहते हैं। मींस इस हार्मोन की वजह से ही एक दूसरे से लोग अट्रैक्ट होते हैं। मींस जो फीलिंग्स होती हैं, वो फीलिंग्स नहीं, वो हार्मोनल लोचा है। वो कौन सा हार्मोनल लोचा है, वो यही है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, यही गड़बड़ करता है। यौन प्रजनन, सामाजिक संबंध, शिशु के जन्म और उसके बाद महिलाओं में होने वाले पीरियड्स में ऑक्सीटोसिन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऑक्सीटोसिन को हैप्पी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, ब्रेन में मौजूद हाइपोथैलेमस से होता है और दिमाग में जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब है वहां से रिलीज होता है। सिंथेसिस कहां से, हाइपोथैलेमस में, और रिलीज पोस्टीरियर पिट्यूटरी से होता है। भाई यह एक न्यूरोट्रांसमीटर की तरह काम करता है और स्त्री पुरुष दोनों में यह पाया जाता है। ऑक्सीटोसिन प्राकृतिक रूप से मींस नेचुरली पैदा होने वाला है और मींस डिलीवरी के साथ टाइम पे गर्भाशय के संकुचन में, मींस यूटराइन कॉन्ट्रैक्शन में, जिसकी वजह से बच्चे को पैदा होने में और माताओं को ब्रेस्ट फीडिंग कराने में ये मदद पहुंचाता है। डेयरी उद्योग में इसके दुरुपयोग बड़े पैमाने पर देखे गए हैं। किसानों की सुविधा के हिसाब से दूध पाने वाले पशुओं में सुई लगा दी जाती है, जिसकी वजह से वो दूध में ज्यादा पैदा होने लगता है ना। तो बहुत सारे इसके यूज भी हैं, बहुत सारे मिसयूज भी हैं। इसको हम यूट्रोटॉनिक भी बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को यूट्रोटॉनिक बोलते हैं। ये सब्सटेंस होता है दैट स्टिमुलेट द कॉन्ट्रेक्शन ऑफ यूट्राइन स्मूथ मसल एंड हैज टेंड्स टू द चाइल्ड बर्थ। मीन्स ये हैज टेंड्स, या कह लो सिंपल, हेल्प्स इन चाइल्ड बर्थ। ठीक, इंड्यूस लेबर पेन, इंड्यूस अबॉर्शन। इसकी वजह से अगर ये अबॉर्टिफिशेंट भी होता है, अगर स्टार्टिंग में अगर कंसीविंग हुई है तो अगर इस हार्मोन का लेवल ज्यादा हो जाए किसी भी तरीके से तो क्या हो जाता है, अबॉर्टिफिशेंट होता है। मीन्स यूटराइन में कॉन्ट्रेक्शन हो सकता है और अबॉर्शन हो सकता है। इसमें एक ड्रग इस्तेमाल होती है जिसको बोलते हैं एर्गट, कॉमन नेम है एर्गट ऑफ राई, है ना, क्योंकि ये राई में होता है। एर्गट या स्केला कोराटम, है ना, कोराटम। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें, एर्गट इज द ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस, ड्राइड स्क्लेरोटियम ऑफ द फंगस, फंगस का, ये फंगस में होता है। और कौन सा, क्लेविसेप्स परप्यूरियम। फंगस का नाम क्या है, क्लेविसेप्स परप्यूरिया। क्लेविसेप्स परप्यूरिया ग्रोन ऑन द ओवरी ऑफ राई प्लांट, कहां पे, जो राई का प्लांट होता है उसकी ओवरी में ये क्या होता है, डेवलप होता है। और फैमिली क्लेविसी पिटिएसी फैमिली है इसकी, है ना, क्लेविसेप्स परप्यूरिया से इसकी फैमिली भी कैसी, क्लेविसी पिटिएसी। जियोग्राफिकल स्विट्जरलैंड, यूगोस्लाविया, हंगरी और इंडिया में ये आराम से पाए जाते हैं। केमिकल कंस्टिट्यूएंट की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्कलॉइड्स होते हैं जिसको हम एर्गोमेट्रिन ग्रुप, इनको क्या, वाटर सोलबिल बोलते हैं। एर्गोमेट्रिन याद रहे, वाटर सोलबिल है। एर्गोमेट्रिन, एर्गोमेट्रिनिन, ये सब क्या है, वाटर सोलबिल है। फिर एर्गोटामिन की ग्रुप की जो ड्रग्स हैं या एल्कलॉइड्स हैं वो वाटर इनसोलबिल हैं। इसमें कौन कौन है भाई, एर्गोटामिन, एर्गोटामिनिन और इर्गोसिन, इर्गोसिनिन, है ना।
तो ये जो ड्रग्स हैं ये वाटर इनसॉल्युबल हैं और ये जो एल्कलॉइड्स हैं वो वाटर सॉल्युबल हैं। तो पूछा जा सकता है वाटर सॉल्युबल कौन सा, इनसॉल्युबल कौन सा है। कुछ और वाटर सॉल्युबल ड्रग्स की कैटेगरी है जिसको बोलते हैं इर्गोटॉक्सिन। इर्गोटॉक्सिन ग्रुप की जो कैटेगरी है उनको बोलते हैं इर्गोक्रिस्टिन, इर्गोक्रिस्टिनिन, इर्गोक्रिप्टिन, इर्गोक्रिप्टिनिन, इर्गोकॉर्निन और इर्गोकॉर्निनिन। ठीक, वाटर सॉल्युबल कैटेगरी के एल्कलॉइड कौन सी ग्रुप के हैं, एर्गोमेट्रिन, मींस इसमें एर्गोमेट्रिन और एर्गोमेट्रिनिन। ठीक, वाटर इनसॉल्युबल में कौन सा, इर्गोटामिन, इर्गोटामिन, इर्गोटामिनिन, इर्गोसिन, इर्गोसिनिन, है ना। एर्गोटॉक्सिन कैटेगरी की कौन सी है, एर्गोक्रिस्टिन, एर्गोक्रिस्टिनिन, एर्गोक्रिप्टिन, क्रिप्टिनिन, है ना। एल्कलॉइड ऑब्टेन लाइसर्जिक एसिड फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, ठीक, हिस्टामिन, टायरामिन और अदर भी एर्गोस्टेरॉल, फंगी एस्टेरॉल वगैरह भी पाए जाते हैं, बट मेन आपके वाटर सॉल्युबल, वाटर इनसॉल्युबल और कौन से वाटर इनसॉल्युबल में जो एर्गोटॉक्सिक कैटेगरी की ड्रग्स है ये है। तो पूछा जा सकता है इसमें से एमसीक्यू या शॉर्ट नोट अगर आ गया आपका एर्गट पे, ऑक्सीटोसिन पे लिखना पड़ेगा। यूज क्या है एर्गोटामिन टार्ट्रेट किसमें, माइग्रेन के ट्रीटमेंट में। एर्गोमेट्रिन ऑक्सीटोसिक यूज इन डिलीवरी। तो अगर पूछा जाए कि कौन सा एल्कलॉइड है जो डिलीवरी के टाइम पे या इस्तेमाल किया जाता है ना, तो एर्गोमेट्रिन। एर्गोट इज ऑक्सीटोसिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर एंड यूज टू असिस्ट डिलीवरी, रिड्यूस द पोस्टपार्टम हेमरेज। मींस एर्गोट जो होता है ये ऑक्सीटोसिक कैटेगरी का ड्रग है जो वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर का काम करता है, ब्लड की सप्लाई को बढ़ा देता है यूट्राइन में, जिसकी वजह से उसका कॉन्ट्रैक्शन होता है और बच्चे के पैदा होने के संप के बाद, बच्चे पैदा होने के बाद जो ब्लड निकलता है वो ब्लीडिंग कम हो जाती है, पोस्टमार्टम हिमरेज जो होता है ये क्या होता है, इसके चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं, इंटरनल जो ब्लीडिंग होती है ये कम हो जाती है इसकी वजह से। ठीक, अब दूसरा जो कैटेगरी है इसको हम बोलते हैं विटामिंस। ठीक, विटामिंस हमको दो पढ़ने, कॉड लीवर एंड सॉल्ट लीवर ऑयल। अब विटामिन क्या है भाई, डेफिनेशन ऑफ विटामिन क्या है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं सोशल फार्मेसी में। विटामिन इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिक प्रोसेस। ये विटामिंस को एंजाइम की तरह काम करते हैं, ये विटामिंस एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करते हैं और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी मेंटेन करने का काम करते हैं। ठीक, तो बहुत सारे मेटाबॉलिक प्रोसेस हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस है जो कैटलाइज होती हैं विटामिंस की मदद से। ऑर्गेनिज्म आर अनेबल टू सिंथेसाइज सच केमिकल कंपाउंड इन सफिशियंट क्वांटिटी। बहुत सारे ऐसे विटामिंस हैं जो सफिशियंट क्वांटिटी में सिंथेसाइज नहीं होते बॉडी के अंदर, तो उनके लिए हमें डाइट पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। एग्जांपल में फैट सॉल्युबल विटामिन ए, डी, ई, के। वाटर सॉल्युबल विटामिन की बात करें तो विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, तो ये ग्रुप ऑफ विटामिंस हैं जो विटामिंस की तरह। अब इनकी जो कहाँ पे सोर्सेज हैं वो दो सोर्सेज में बताए गए जिनकी हमें स्टडी करनी है, कॉड लीवर ऑयल और शार्क लीवर ऑयल। दोनों में ये सारे विटामिंस भरपूर मात्रा में होते हैं। ये देखो, सबसे पहले कॉड लीवर ऑयल, बायोलॉजिकल सोर्स क्या है, फ्रेश लीवर ऑफ कॉड फिश। नाम क्या है, कॉड लीवर ऑयल, मतलब कॉड फिश जो है उसके लीवर से जो ऑयल निकाला जाता है उसी को बोलते हैं कॉड लीवर ऑयल। इसकी जो स्पीसीज है गैडस मोरहुआ और दूसरी अदर स्पीसीज को हम गैडस भी बोलते हैं बायोलॉजिकल सोर्स, और फैमिली कौन सी है, गैडिडी, है ना। तो गैडस मोरहुआ कॉड लीवर ऑयल की स्पीसीज है। ठीक, अदर स्पीसीज सिंपल गैडस है और गैडिडी इसकी फैमिली है। कहाँ पाया जाता है, स्कॉटलैंड में, नॉर्वे, जर्मनी, आइसलैंड और डेनमार्क। इंडिया में अपने ये कॉड लीवर ऑयल वाली फिश नहीं मिलती। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करें, कंटेन्स द ग्लिसराइड, ग्लिसराइड इस्टर ऑफ सैचुरेटेड एसिड कौन सा, लिनोलिक एसिड, ओलिक एसिड, मेरिस्टिक और गैडोलिक, पामिटिक एंड अदर कुछ एसिड्स हैं जिसमें विटामिन ए और विटामिन डी भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, तो केमिकल कंस्टिट्यूएंट बेसिकली लिनोलिक, ओलिक, मेरिस्टिक और गैडोलिक, पामिटिक एसिड होते हैं। यूज की बात करें, सोर्स ऑफ विटामिन, रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए एंड विटामिन डी। ठीक, जिसकी वजह से इनसे रिलेटेड जो डिजीज है उन डिजीज में फायदा करेगा, ट्यूबरकुलोसिस नहीं होगी, रिकेट्स नहीं होगा और एज ए न्यूट्रिएंट के वैल्यू की तरह, एज ए वेल न्यूट्रिशन मींस न्यूट्रिएंट की तरह इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक, जैसे न्यूट्रास्यूटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, ठीक उस तरह से ये भी एक तरह का न्यूट्रिएंट्स है जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है। ठीक, तो ये हुई कॉड लीवर ऑयल। फिर बात करते हैं शार्क लीवर ऑयल की। देखो, शार्क है, खतरनाक होती है,
नाम ओलियम सेलेक्वाइड, ये कॉमन नेम है इसका। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें शार्क लीवर ऑयल, शार्क के जो लीवर से जो ऑयल बनता है उसको बोलते हैं शार्क लीवर ऑयल। फिक्स्ड ऑयल होता है ऑब्टेंड फ्रेश और हेल्दी लीवर ऑफ सॉल्क सॉयल। कौन सी शार्क, कौन सी, हाइपोप्रियन ब्रेविस्ट्रिस, हाइपोप्रियन ब्रेवायरोस्ट्रिस, है ना, कठिन सा नाम है थोड़ा पढ़ने में, हाइपोप्रियन ब्रेवायरोस्ट्रिस, है ना। तो ये इस जो शार्क का ये जो नाम है, इस नाम की शार्क जो हेल्दी रहे उसका लीवर निकाल के एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जो उसको शार्क लीवर ऑयल बोलते हैं। फैमिली कौन सी भाई, फैमिली है करचिरिनहिडी, करचिरिनहिडी, है ना, करचिरिनहिडी, ठीक। तो देख लेना अपने अपने हिसाब से प्रोनाउंशिएट कर लेना भाई, क्योंकि भाई जाहिर सी बात हम लोग इंडियंस हैं तो अंग्रेजी किसी की बहुत अच्छी नहीं है, है ना। तो कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग कुछ और बोलते हैं, कुछ लोग विटामिन बोलते हैं, कुछ लोग विटामिन बोलते हैं, है ना। तो फर्क, तो शार्क फाउंड कहाँ कहाँ पे मिलती भाई, सी कोस्ट, कोस्ट में, है ना, जाहिर सी बात समुद्री पानी में मिलेगी, यूरोपियन कंट्री में, इंडिया के तमिलनाडु के पास, महाराष्ट्र और केरला के पास जो समुद्र के किनारे हैं, सी कोस्ट हैं, वहाँ पे भी शार्क होने की प्रोबेबिलिटी होती है, वहाँ पे भी अक्सर देखी जाती है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट शार्क लीवर ऑयल, विटामिन ए, है ना, एल्काइल ग्लिसरॉल विच इज नेचुरली फाउंड द मदर मिल्क, एल्काइल ग्लिसरॉल बिल्कुल उसी तरह से जैसे मदर मिल्क फायदेमंद होता है उसी तरह से, और बोन मैरो, नेचुरली फाउंड इन मदर मिल्क एंड बोन मैरो, ठीक। इट कंटेन्स प्रिस्टीन स्क्वेलिन, विटामिन ए, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल ईथर एंड फैटी एल्कोहल, मीन्स वन ऑफ द मोस्ट न्यूट्रिएंट्स शार्क लीवर ऑयल, जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, स्क्वेलिन, प्रिस्टीन, है ना, ट्राइग्लिसराइड और ग्लिसरॉल ईथर जो है मौजूद है, और जिसका जो ऑयल होता है वो नेचुरली जैसे मदर मिल्क होता है, जैसे बोन मैरो होता है, ठीक उस तरह हेल्दी और उस तरह हेल्प उसके लिए हेल्पफुल होता है, कौन सा, शार्क लीवर ऑयल, है ना। यूज प्रमोटेड एज द डाइटरी सप्लीमेंट, बूस्ट द इम्यून सिस्टम, ठीक, फाइट ऑफ द इन्फेक्शन, हील द वुंड, मींस इन्फेक्शन, इम्यूनिटी जब डेवलप हो गई तो जो इन्फेक्शन लगता है उसके फाइट हो करने में भी, मींस उससे निजात पाने में मदद करता है। इवन कैंसर के ट्रीटमेंट में भी शार्क लीवर ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक। साइड इफेक्ट कन्वेंशनल कैंसर ट्रीटमेंट, ठीक, लेजेंस द साइड इफेक्ट, मीन्स इसको यूज करने से जो जो थेरेपी होती है, वुंड थेरेपी, जो आपकी कैंसर थेरेपी होती है, उसकी वजह से जो घाव वगैरह हो जाते हैं उसके लिए भी ये बड़ा फायदेमंद है। मीन्स कन्वेंशनल कैंसर वगैरह के जो साइड इफेक्ट होते हैं जिनकी वजह से वुंड्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं शरीर के अंदर, उसमें भी शार्क लीवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द कमर्शियल प्रिपरेशन, शार्क लीवर ऑयल में भी जिस तरह से भी इसका प्रिपरेशन होता है, अलग अलग इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोजगार है इसका, न्यूट्रास्यूटिकल्स का, ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए, यूज द ट्रीटमेंट ऑफ जीरोप्थेल्मिया, किसी को अगर नाइट ब्लाइंडनेस हो गई है, जीरोप्थेल्मिया हो गया है, तो उसके ट्रीटमेंट में भी शार्क लीवर ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। यूज मॉइस्चराइजिंग, ऐसे बहुत सारी क्रीम, बहुत सारे लोशंस हैं, है ना, बहुत सारी कॉस्मेटिक कंपनियां हैं जो शार्क लीवर ऑयल का इस्तेमाल करती हैं एज ए मेन एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, ठीक। तो बहुत ही कॉस्टली आइटम है, बहुत ही महंगा है भाई, जाहिर सी बात शार्क, है ना, वैसे भी खतरनाक फिश है, और उसके अंदर से फिर क्या निकालना भाई, ऑयल निकालना, ये अपने आप में बड़ा काम है ना। तो इस तरह से विटामिंस और ऑक्सीटोसिन, ये दो कैटेगरी खत्म हो गई, नेक्स्ट कैटेगरी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। कोई समस्या हो तो कमेंट करो, बाय।